खबर रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र के अंजोरा गांव से है, जहां रात में मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला था और सुबह जाल में एक 3 वर्षीय बच्ची का शव फंसकर बाहर आ गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, बच्ची की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। घटना सुहागी थाने के अंजोरा गांव की बताई जा रही है। यहां मछुआरों द्वारा रात में टमस नदी में जाल डाला गया था। रात भर जाल नदी में फंसा रहा। सुबह मछलियों की उम्मीद में उन्होंने जाल को बाहर निकाला तो उनके होश ही उड़ गए। जाल में फंसकर 3 वर्षीय बच्ची का शव बाहर आ गया। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिससे घटना स्थल पर निरीक्षण किया गया। पुलिस ने बच्ची की पहचान के काफी प्रयास किए। वहीं पर अतरेला, जवा, जनेह सहित अन्य थानों से भी जानकारी मांगी गई, लेकिन बच्ची के घूमने की सूचना कहीं दर्ज नहीं है। ऐसे में उसकी पहचान नहीं हो पाई। शव को 2 दिन पुराना बताया जा रहा है और बच्ची पूरे कपड़े पहने हुए है और हाथ व पैर में चांदी की चूड़ियां पहने हैं। उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले, जिससे प्रथम दृष्टया उसकी मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए। पुलिस ने उसकी फोटो सभी थानों में भिजवा दी है। फिलहाल बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। थाना प्रभारी गोकुलानंद पांडे ने बताया कि 3 वर्षीय बच्ची का नदी में शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान नहीं हो पाई। सभी थानों को सूचना भिजवा दी गई है और सबको पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखवा दिया गया है। वहीं पुलिस कई पहलुओं पर जांच भी कर रही है। नदी में मिले बच्ची के शव का संबंध 1 दिन पूर्व मिले महिला के शव के साथ हो सकता है। जनेह थाने में घटित एक घटना में जंगल में 1 दिन पूर्व महिला का शव बरामद हुआ था, जिसकी गला घोटकर हत्या की गई थी और सबको जंगल में छोड़कर आरोपी भाग गया। उक्त महिला की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है और सब मर्चुरी में लावारिसों की तरह रखा हुआ है। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि बच्ची उक्त महिला की हो सकती है। आरोपी ने महिला को पहले जंगल में हत्या की और बच्ची को लाकर टमस नदी में फेंक दिया। जिले के किसी भी थाने में 3 वर्षीय बच्ची के लापता होने की सूचना नहीं है। ऐसे में इस संभावना को भी बल मिल रहा है। आरोपी ने महिला के साथ उसकी बेटी की हत्या भी की हो। पुलिस अब इस बात की पुष्टि के लिए डीएनए परीक्षण करवाएगी। वहीं उदित मिश्रा एसडीओपी त्योथर का कहना है कि टमस नदी में एक बच्ची का शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। वहीं जनेह थाने में घटना, जो की घटेहा जंगल में मिली महिला के शव की शिनाख्त भी नहीं हुई है। यूपी के 100 किलोमीटर एरिया में सभी जिलों को सूचना भेज दी गई है। महिला और बच्ची की पहचान के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।